टोटल अब तक कितना जमीन कट गया आपका? अब टोटल हम लोग तो सब 8 एकड़ जमीन खत्म हो गया है। 8 एकड़ जमीन था, 8 का 8 एकड़ खत्म। 8 एकड़ खत्म, एक धूर भी नहीं। अब आप क्या करते हैं? अभी लास्ट में एक धंधा करना पड़ता है कि कुछ तो करना होगा जुगाड़। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। कहाँ घर कहाँ हुआ? दल्ले गाँव। प्रखंड? प्रखंड ठाकुरगंज। अच्छा, ये आप बता रहे हैं यहाँ आपका किधर जमीन हुआ करता था पहले ये बताइए। पहले जमीन तो हमारा पूर्व ही था, मेसी में पड़ गया है अभी। कितना जमीन था आपका? लगभग 8 एकड़। 8 एकड़ जमीन जी। कब कटा 8 एकड़ जमीन? ये 5 साल के अंदर कटा हुआ है। 5 साल के अंदर जी। इस साल कटा कुछ? इस साल तो ज़्यादा नहीं कटा है, 5 साल के अंदर जो सारा चला गया। इस साल बड़ी मुश्किल से 1 एकड़ बचा हुआ था, वो भी चला गया। टोटल अब तक कितना जमीन कट गया आपने? अब टोटल हम लोग तो सब 8 एकड़ जमीन खत्म हो गया है। 8 एकड़ जमीन था, 8 का 8 एकड़ खत्म। 8 एकड़ खत्म, एक धूर भी नहीं। अब आप क्या करते हैं? अभी लास्ट में एक धंधा करना पड़ता है कि कुछ तो करना होगा जुगाड़। तो अभी राशन का दुकान खुले हैं। अच्छा। और वही हाट मार्केट जो है, जहाँ जहाँ लगता है वहीं करते हैं खाते। अच्छा, जहाँ जिस दिन हाट लगता है वहाँ जाके बेचते हैं। जी जी। तो ये क्या बिस्किट तेल ये सब है ना? हाँ हाँ, खुला खुदरा सामान। जी जी, खुदरा सामान। कितना कमाई हो जाता होगा इसमें? बड़े मुश्किल से 200 रुपया 250 रुपया रोज कमा लेते हैं, बस गुजरा करते हैं किसी तरह से। कितने लोगों का परिवार है आपका? 6 परिवार हैं हम लोग मौजूदगी में। कितने बच्चे हैं? बच्ची मेरे एक है, बाकी एक लड़का है, 2 लड़की पोती है मेरा। अच्छा। और उसके बाद हम लोग 2 पति पत्नी है। अच्छा, बेटा भी कुछ करता है? बेटा बाहर में रहता है, पंजाब में। अच्छा, पंजाब में। हाँ। बेटा का भी थोड़ा सहारा है? जी, बेटा का थोड़ा सा सहारा है। बेटा क्या करता है? बेटा जो है वहाँ मार्बल का काम करता है। अच्छा। जी। तो आपका पूरा जमीन चला गया, उस मजबूरी में आप ये कर रहे हैं? जी। तो उसके अलावा और कुछ करने का सोचे यार कुछ? और क्या कर सकेंगे यहाँ, या तो आप हम लोग को लाइफ भी नहीं रहा चलने फिरने का, लास्ट में तो यही धंधा पकड़े हैं ना। क्या उम्र है? लगभग 58। 58 जी। कौन सा टोला में करूँ आपका? दल्ले? यही दल्ले गाँव पूरब टोला। पूरब टोला जी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 6। तो ये जो सामान लाए आप, ये अभी कहाँ से लाए? ये ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज जी। तो डेली ठाकुरगंज से? डेली जाना होता है, डेली आना होता है। कैसे लाते हैं सामान? साइकिल पर। नाव? और नाव में रात दिन लाना पड़ता है। कितने बार नाव पर करते हैं? नाव में एक बार जाने से जाना पड़ता है, एक बार लेके आना होता है। अच्छा। ये बस साइकिल से आते हैं, नाव पार करते हैं, सारा सामान लेके? जी जी, सारा सामान लेके आते हैं। तो अच्छा, क्या क्या सामान है इसमें? बिस्किट? इसमें बिस्किट है, तेल है, चीनी है, पत्ती है, दाल है। अच्छा। बस। और आप लोग नेपाल बॉर्डर पे हैं तो BSF वाला भी पूछता है? हाँ, BSF वाला भी रुकता है, बहुत रुकता है। इतना सामान कहाँ लेके जाते? सामान कहाँ लेके जाते हैं? तब उसको ID प्रूफ दिखाना पड़ता है, जब ही छोड़ता है।